While we're making cars at full speed, the global chip shortage situation remains quite serious. For the rest of this year, our growth rate will be determined by the slowest part in our supply chain. इस तरह की चिप कॉल्ड सेमीकंडक्टर आज वर्ल्ड में सभी छोटे से छोटे डिवाइसेस में यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। बट नाउ सभी कंट्रीज को इस तरह की चिप की कमी होने लगी है, जो डायरेक्टली उन सभी कंपनीज को अफेक्ट कर रहा है जो आज वर्क फ्रॉम होम या फिर स्टडी फ्रॉम होम के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। इस तरह की चिप किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर उस गैजेट को बनाने वाली मशीन में यूज की जाती है। एंड इस तरह की चिप शॉर्टेज की वजह से कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग या तो रोकनी पड़ी है या फिर स्लो करनी पड़ी है। बट पूरे वर्ल्ड में एक कंपनी थी जिसे इस शॉर्टेज से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिली। जब वर्ल्ड की सभी मेजर कंपनीज ऐसी शॉर्टेज फेस कर रही थी, टेस्ला इस प्रॉब्लम को अपनी एडवांटेज की तरह यूज कर रही थी। सो लेट्स सी कि कैसे टेस्ला ने इस तरह की ग्लोबल चिप शॉर्टेज को यूज किया। बट उससे पहले, क्या आपको पता है कि टेस्ला एक ऐसी मशीन पर काम कर रही है जिसकी हेल्प से टेस्ला कुछ ही टाइम में कार इंडस्ट्री में जियो की तरह बन जाएगी। वेल, इस टॉपिक को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो का लिंक आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो टेस्ला और चिप शॉर्टेज को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि राइट नाउ पूरे वर्ल्ड में इस तरह की चिप शॉर्टेज क्यों हो रही है, और ये प्रॉब्लम आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बनी दैट टेस्ला जैसे ब्रांड को खुद का प्रोसेसर बनाना पड़ा। वेल, यदि आप नॉट ओनली यूट्यूब बट टीवी पर रेगुलर टेक अपडेट्स को फॉलो करते हैं तो आपको इस प्रॉब्लम के बारे में सुनने को जरूर मिला होगा, जहां पर हमेशा की तरह मेन प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया गया होगा। बट फर्स्ट एक क्वेश्चन, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि टेस्ला अपनी स्मार्ट कार्स के लिए माइक्रो प्रोसेसर जैसी चिप्स खुद बनाती है? वेल, द आंसर इज नो। टेस्ला कभी भी अपनी कार्स के लिए खुद चिप्स नहीं बनाती थी, इसलिए इलॉन टेस्ला कार्स की चिप्स मैन्युफैक्चर करने के लिए अदर कंपनीज की हेल्प लेते हैं। बट टेस्ला स्टार्टिंग से एंड तक इस तरह की कार खुद बना सकती है, तो वाई नॉट उनकी चिप्स? वेल, बिकॉज इस तरह की माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स को बनाना काफ़ी डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए नॉट जस्ट इन इंडिया और अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में इस तरह की चिप बनाने वाली कंपनीज काफ़ी लिमिटेड हैं। एंड यदि आपको ईयर 2020 याद हो तो उस ईयर से लेकर अभी तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती आई है। एंड सिंस इस तरह के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बनाने वाली कंपनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इंक्रीज होती डिमांड की सप्लाई ऐसी कंपनीज पर डिपेंड थी, जिसे बैलेंस रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के पास काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज ही थे। एंड इसी वजह से गेमिंग इंडस्ट्री में मौजूद सभी गेमर्स को PS5 फाइंड करने में इतनी प्रॉब्लम हुई। कंप्यूटर चिप्स इस तरह की जगह पर बनाई जाती हैं, जिन्हें फाउंड्रीज या फिर फैब्स कहा जाता है। ऐसी फैक्ट्रीज ना ही फास्ट होती हैं और ना ही एफिशिएंट, टेस्ला गीगा फैक्ट्री के बिल्कुल ऑपोजिट। चिप बनाने वाली इस तरह की फैक्ट्रीज को किसी लोकेशन पर रेडी करने में नियरली 3 to 5 ईयर्स का टाइम लगता है, जिसमें टाइम के साथ लॉट्स ऑफ प्लानिंग एंड लगभग 7,000 करोड़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। यहीं टेस्ला एक गीगा फैक्ट्री को जस्ट 1,000 करोड़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट में जस्ट 1 ईयर में ही रेडी की जा सकती है। इवन टेस्ला की सबसे एडवांस गीगा फैक्ट्री को भी इस तरह की चिप फैक्ट्री से काफ़ी कम टाइम में टेस्ला ने कम बजट में रेडी किया है। ऑफकोर्स इस तरह की चिप किसी भी कार के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिन्हें बनाने के लिए इस तरह के क्लीन रूम और ऐसी एडवांस मशीन्स की ज़रूरत होती है। इवन ऐसी फैक्ट्री की मशीन्स को एक ऑपरेशन थिएटर से भी ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। एंड इसी वजह से टेस्ला कभी भी अपनी गीगा फैक्ट्री में इस तरह के चिप बनाने वाले डिपार्टमेंट को नहीं बना सकी। सिंस इन चिप की शॉर्टेज आज की डेट में एवरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में देखने को मिल रही है, बट यदि कार इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर्स चाहते तो इस शॉर्टेज को होने से रोक सकते थे, बिकॉज कार इंडस्ट्री ऐसे चिप मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंड जरूर रहती है, सो दैट वो अपने प्रोडक्ट्स को रेगुलरली बना सकें। बट अर्ली 2020 में वेरियस जगहों पर लॉकडाउन लगने की वजह से टेस्ला के अलावा वेरियस मेजर कार मैन्युफैक्चरर्स ने इस तरह की चिप प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को दिए ऑर्डर कैंसिल कर दिए, बिकॉज 2020 में कोई नहीं जानता था कि लॉकडाउन कब हटेगा और हटने के बाद क्या होगा। सेम थिंकिंग के साथ कार इंडस्ट्री ने रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी फैक्ट्रीज बंद कर दी,
बट सिंस टेस्ला फैक्ट्रीज में ज़्यादातर रोबोट्स यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इलॉन मस्क ने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो ना करते हुए अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू रखी, बिकॉज वेल ही इज़ इलॉन मस्क एंड ही डिड व्हाट ही थॉट वॉज राइट। एंड इस तरह से इलॉन मस्क ने अपने बिजनेस के लिए सही टाइम पर सही डिसीजन लिया एंड इस तरह की चिप शॉर्टेज को अवॉइड किया। ऑल्सो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि टेस्ला अपनी कार्स के लिए खुद ऐसे चिप्स मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करती। वेल, टेस्ला भले ही ऐसी चिप्स को अपने प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बनाती, सेम लाइक अदर कार मैन्युफैक्चरर्स, बट वन थिंग जो टेस्ला अदर कार मेकर्स की कंपैरिजन में डिफरेंट करती है वो है अपनी कार्स में यूज़ की जाने वाली चिप्स को खुद डिज़ाइन करना। एंड जिस समय वर्ल्ड की वेरियस कंपनीज चिप शॉर्टेज को फेस कर रही थी, उस समय को टेस्ला काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रही थी। मानो जैसे टेस्ला के अलावा अदर कार कंपनीज टॉयलेट पेपर फाइंड करने की कोशिश कर रही थी और टेस्ला उस तरह की टॉयलेट सीट है जिसमें जेट स्प्रे ऑलरेडी लगा होता है। टेस्ला के लिए इस तरह की चिप शॉर्टेज क्राइसिस का एडवांटेज ये भी था कि टेस्ला अपनी कार्स के लिए कोड खुद लिखती है। हालांकि टेस्ला अपने प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी यूनिक तरह के डिजाइन खुद बनाती है जो टेस्ला कार्स के लिए काफ़ी एडवांस फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, बट बेसिक फंक्शंस प्रोवाइड करने वाले माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए टेस्ला अदर्स की तरह ही थर्ड पार्टी कंपनीज पर डिपेंड रहा करती थी। एंड चिप शॉर्टेज के समय भी टेस्ला को अपने इसी तरह के बेसिक कंट्रोलर्स की ज़रूरत पड़ी, बट मार्केट में इस तरह के चिप्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने के कारण टेस्ला अपना टाइम दूसरों पर डिपेंड रहने पर स्पेंड नहीं करना चाहती थी। इसलिए इस डिले को होने से रोकने के लिए टेस्ला ने अपने पास मौजूद चीज़ों को यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर कोड्स को अवेलेबल चिप्स के अकॉर्डिंग लिखना शुरू कर दिया ताकि उन्हें अनअवेलेबल चिप्स की ज़रूरत ही ना पड़े। एंड सिमिलरली टेस्ला ने ऐसा ही अपने सभी प्रोडक्ट्स के साथ किया एंड अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल पार्ट्स को यूज़ करके टेस्ला ने अपनी कार्स के सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। इस तरह की स्ट्रेटजी किसी भी तरह की कंपनी स्पेशली टेस्ला के लिए काफ़ी बेटर रही जो काफ़ी लंबे टाइम से अपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करना चाहती थी। बट इस तरह की बेटर प्लानिंग एंड गुड बिजनेस बिलीव के साथ ऐसा नहीं था कि टेस्ला ने इस तरह की चिप शॉर्टेज को पूरी तरह अवॉइड कर दिया था। एंड टेस्ला ही वर्ल्ड में इकलौती कंपनी नहीं थी जिसे इस तरह की प्रॉब्लम में कोई परेशानी नहीं हुई, बिकॉज टेस्ला ने चिप शॉर्टेज की बिगनिंग में ही अपने मोस्ट एक्सपेंसिव मॉडल मॉडल एक्स SUV की प्रोडक्शन पहले की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप करने का डिसीजन लिया सो दैट वो ऐसे प्रोडक्ट्स पर फोकस कर पाते जिसे परचेज करना कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल एंड ईजी था, फॉर एग्जाम्पल मॉडल Y। इसके साथ ही टेस्ला ने अपनी कार में से टेस्ला लंबर सपोर्ट को भी चिप शॉर्टेज के टाइम रिमूव करने का डिसीजन बनाया एंड ऑल्सो ड्राइविंग असिस्ट, जिसका मेन रीजन ये था कि इस ऑप्शन को ना के बराबर ही टेस्ला यूजर्स यूज करते थे। सो इस तरह की चिप शॉर्टेज कब तक और कैसे सॉल्व की जाएगी, बिकॉज किसी कंट्री की GDP जस्ट एक कंपनी पर डिपेंड नहीं रह सकती एंड सभी कंपनीज के पास टेस्ला की तरह टैलेंटेड इंजीनियर्स नहीं हैं जो जब चाहे अपने प्रोडक्ट्स के लिए एडवांस प्रोसेसर्स एंड उनके लिए कोड्स लिख सकें। राइट नाउ वर्ल्ड में सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ताइवान में लोकेटेड है, जिसे आज की डेट में काफ़ी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है। एंड ताइवान को भले ही हमारे प्लैनेट पर सबसे रेनियस्ट प्लेस कहा जाता है, राइट नाउ ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर बनाने के लिए डेली रिक्वायर्ड 15,000 टन वाटर की डिमांड ताइवान में पूरी नहीं की जा पा रही है। ऐसे ही चैलेंजेस को ऑब्जर्व करने के बाद वर्ल्ड की वेरियस मेजर कंट्रीज ने एक साथ इस तरह की शॉर्टेज को सॉल्व करने का डिसीजन लिया है, जिसे हमारी कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस केस स्टडीज के चैनल थिंक स्कूल ने कवर किया है। उनकी वीडियो का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर फीडबैक एंड वीडियो सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।